नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आज अपना 12वां लेक्चर शूट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर है मॉडर्न फिजिक्स पे। ये 265 से स्टार्ट होगा और 265 से लेके दोस्तों ये 299 तक जाएगा, यानी राउंड फिगर हम कह सकते हैं कि 35 क्वेश्चन है इसमें। यानी पिछले 8 साल में 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16 दो बार पेपर हुआ था ना, तो 8 साल में 35 क्वेश्चन आए हैं। तो आप देखो, ऑलमोस्ट 4.5 क्वेश्चन ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट आपको देता है। इसमें क्या क्या आएगा? एटम, एक्सरे, मैटर वेव, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स, फ्यूजन फ्यूजन, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जो सारे बच्चों के सही भी होते हैं। सारे बच्चे मतलब जो थोड़ी साल भर ठीक से मेहनत कर लेते हैं डियर, ओके। 11वां लेक्चर है आज, ये 19 अप्रैल को शूट हो रहा है, जो आज 19 अप्रैल की शाम तक या 20 को सुबह आपके पास अपलोड। आज हम दोस्तों 19 तारीख को दो वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके पास, 11वां और 12वां। लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 दोनों एक साथ अपलोड करेंगे। बात शुरू करूं, आई डियर, क्वेश्चन नंबर 265 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन पढ़ो। फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम सर्टेन मेटल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू, जिसको अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2V इम्पिंग्स ऑन द मेटल प्लेट द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं। आप देखो, ये माना कि कोई सरफेस है, इस सरफेस पे आप कोई hν एनर्जी का फोटोन इस पे इंसिडेंट करते हैं, तो दोस्तों इसकी एनर्जी दो जगह खर्च होती है, hν इक्वल टू hν₀ प्लस हाफ mv² ध्यान दे क्लास। निश्चित रूप से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होती है तो इमिशन स्टार्ट नहीं होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति बोलते ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति का फोटोन आप इस पर इंसिडेंट करते हो तो एक भाग तो खर्च क्या होगा इसका, वर्क फंक्शन में, कार्य फलन में, बाकी बचा हुआ ऊर्जा है वो उसको गति कराती है, जिसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और कई बार वो कहता है कि हम चाहते हैं कि वो गति नहीं करे, इस गति को आपको रोकना है। तो एक थोड़ा सा सीधा लिख दूं, यहां अपन एक काम लेंगे शब्द ईवी नोट, वी इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, क्योंकि हाफ एमयूस का इलेक्ट्रॉन निकला, इसको रोकना है तो सामने से उतना ही नेगेटिव, ये ईवी नोट जो है ना, ये अंडरस्टूड है, स्टॉपिंग का मतलब ही क्या होता है नेगेटिव, ये आपका ईवी नोट हो गया। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मास्ट इक्वेशन, hν इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, hν नोट वर्क फंक्शन ऑफ मेटल जो भी आपने लिया है, ईवी नोट स्टॉपिंग पोटेंशियल या हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर में एम इलेक्ट्रॉन का मास है, वी उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये बहुत एक सिंपल सी अप्रोच डियर, ठीक है ना, hν इक्वल टू hν नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ओके डियर। अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगला साफ कहता है कि किसी धातु के प्रकाश उत्सर्जन के निरोधी अंतक आवृत्ति न्यू है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, न्यू नोट को न्यू कह दिया, कोई बात नहीं है। इस पे टू न्यू आवर्ती का कोई हम आपत्ति करते हैं तो अधिकतम वेग क्या हो सकता, आ जाओ देखो डियर, hν नोट प्लस हाफ एम स्क्वायर बोलते रहो, पढ़ाया मैंने यहां तक। hν क्या है, इंसिडेंट फोटोन, तो वो कौन है, टू न्यू, देख पूरा टू न्यू, तो ये तेरा hν, न्यू नोट क्या है, न्यू प्लस हाफ एम स्क्वायर, इसको इधर लिया क्या बचा hν, ओके डियर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, hν, हमें अगला क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो v इक्वल टू 2hν m का अंडर द रूट, 2hν और m का अंडर द रूट। दोस्तों ये लो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, एक नंबर कॉमन है, hν इक्वल टू hν नोट प्लस हाफ एम स्क्वायर कहो, चाहे हाफ एम स्क्वायर रिप्लेस बाई ईवी नोट, उसको रोकना है तो उसको स्टॉपिंग दे देंगे पोटेंशियल, ओके थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 266, ठीक है, इसमें सीधी सी बात है यार, कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पे कोई एक आपकी एनर्जी का फ्लक्स है, एनर्जी है, ओ भाई आप पत्थर फेंक के मारो तो भी एनर्जी है, ये एनर्जी किसकी है, लाइट की है तो एनर्जी ना, एनर्जी दोस्तों यहां आई। अगला साहब कहता है यदि, और ये पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ है, वापस ये कंप्लीट की कंप्लीट वहां से
रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसका एरिया इतना है, तो बताओ इस पर प्रेशर फोर्स क्या है। तो दोस्तों फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है टू लगाना पड़ेगा इसमें। यदि एब्जॉर्ब हो जाता तो साथ टू नहीं आएगा, ये दोस्तों फॉर्मूला होगा टू आई ए अपॉन सी। एक्चुअल में तो फॉर्मूला होता है डियर आई अपॉन सी, देख मेरी बात सुन, जो होता है यूनिट एरिया का। अब अगला एरिया दे दिया तो आई अपॉन सी को अपने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया से, और रिफ्लेक्ट कर रहा है तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी क्वेश्चन में कहता है कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो केवल क्या बचता, आई ए अपॉन सी, बस ओके। अब तेरे सामने है आई क्या है डियर, ये रहा एनर्जी फ्लक्स, इसको आई कहते हैं। तो 25 मल्टीप्लाई 4, ए कितना है एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सुनो रे सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना मीटर स्क्वायर में, तो 10 टू पावर किससे मल्टीप्लाई कर दो, -4 से अपॉन सी। सी दोस्तों प्रकाश का वेग होता, कहने की बात ही नहीं है। आप देखो इसको आप इससे कैंसिल आउट कर दो, इस तीन को आप इससे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है डियर, हो गया ना, ये 5 बार गया, 25 पंजो 125। अब 125 ऊपर है, 125 10 टू पावर -8, पर ऐसा है -8 उत्तर नहीं है 6 है, तो 1.25 कर दो, क्या दिक्कत है। तो 1.25 दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया, 266 का आंसर हो गया सेकंड। फिर सुन लो, रियल तो फॉर्मूला था आई अपॉन सी, बट एरिया पे पूछा तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, रिफ्लेक्ट हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 267 दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ने से पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दो बातें बहुत ढंग से पढ़ लो आप। आप सब जानते हो H nu note प्लस EV note, एक बात ध्यान देना, मैं पर हिंदी बोल रहा हूं लो, यदि आपतित फोटोन की आवृत्ति बढ़ाते हैं, आवृत्ति बढ़ाएंगे तो दोस्तों याद करो एक फोटोन का संबंध हमेशा एक इलेक्ट्रॉन से होता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संख्या चेंज नहीं होगी, केवल क्या चेंज होगी, ½mv², तो क्या चेंज होगा, वी नोट, यानी आवृत्ति का संबंध किससे हो गया, विभव से। यानी इंस्टेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो दोस्तों ½mv² केवल बढ़ती है, उसके बदले में ई वी नोट बढ़ता है, यानी फ्रीक्वेंसी का संबंध किससे है, पोटेंशियल से, ओके। वन फोटोन रिलेटेड विथ वन इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन कभी दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। अब आगे देखो, आप इंसिडेंट फोटॉन्स की संख्या बढ़ा देते हो, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, आप आपतित फोटोन की तीव्रता बढ़ा देते हो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दोस्तों यू नो I=dQ/dt करंट चेंज हो जाती है। तो सार क्या निकला, पोटेंशियल का संबंध फ्रीक्वेंसी से है, करंट का संबंध इंटेंसिटी से, ओके थैंक यू। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है डियर, कि तेरे पास कोई एक क्वेश्चन वही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, पहले मैंने इसको फोटोन इंसिडेंट किया तो मेरा वर्क फंक्शन कितना है 0.5, गति सॉरी काइनेटिक क्या है 0.5। अब यदि मैं इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को 20% बढ़ा दूं तो मेरा क्या बढ़ गया, काइनेटिक 0.8। वर्क फंक्शन निकालना, एक बात याद है ना, वर्क फंक्शन का इंसिडेंट फोटोन से कोई संबंध नहीं होता है, वर्क फंक्शन कार्य फलन पदार्थ की नेचर है, न कि आपतित फोटोन की नेचर है। चलो डियर खाली करना एक पेज को, एक मिनट सुनील जी, देखो डियर इसको ऐसे करेंगे, H nu equal to W लिख दो यहां पर, ओके, और ईवी नोट बोल दो, चाहे ½mv² बोल दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। अगली बार अपन क्या करेंगे, H nu plus H nu multiply 0.2 जोड़ दिया इसमें, ओके, तो ये क्या बन गया तेरा W नोट, और ये तेरा क्या बन जाएगा, इसको तू कहे तो लो मैं E1 कह दूं, तू कहे तो ठीक है, तो ये क्या बन गई E2, E चेंज हो रही है, इंसिडेंट चेंज हो रहा है, W के पीछे 1-2 नहीं आएगा, ओके डियर, तो करें तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं तेरे लिए कलर चेंज करके। तो देख डियर, सबसे पहला क्या है, H nu equal to W plus E1, E1 दिया है, क्वेश्चन दिखाने के बाद सुनो सर, E1 है दोस्तों 0.5, वापस आ जाओ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा क्या है, H nu बाहर निकाल ले तो 1.2 H nu, क्या दिक्कत है यार, 1.2 H nu W प्लस दिखा एनर्जी क्या है, सुनील सर एक मिनट, वापस एनर्जी क्या होगी 0.8, वापस हटाए इसको 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका प्रश्न हो गया साहब, ये तो है ना, बस ये व्यवस्था बन गई। देखो आपके सामने सामने है, अब अपन क्या करते हैं डियर, इसमें एक में से दो को माइनस कर दो, ठीक है जी, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा 0.8
2H2 माइनस में, ये भी माइनस में आएगा, कितना 0.3 भी, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो दोस्तों, H2 क्या आ गया, H2 का मान क्या आ गया 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देख लो ना H2 3/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया ना। बस तो दिमाग क्यों लगा रहा है, जहां H2 लिखा हुआ है वहां हाफ कर दे, हो गया ना। और H2 कितना है, हाफ है ना, ये क्या है W0 और ये क्या है 0.5 है। तो कॉमन सेंस की बात है यार, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, काइनेटिक एनर्जी या जो निकली वो कितनी 0.5 है, तो पीछे कितना बच गया 1, वो कहां खर्च हुआ वर्क फंक्शन में, सीधी सी बात है दोस्तों। इसका आंसर क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत सीधी सी प्रक्रिया भैया, क्वेश्चन में आना आंसर क्या आ गया, ये लो जी इसको मिटा दो सॉल्यूशन को, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, थैंक यू। ओके डियर, आगे चले 268। आओ भाई ठीक हो रहा सब लोग, एक तो ध्यान दो भाई, मैं बात लो बीच में बात एक बार कह देता हूँ दोस्तों, नीट 2013 से लेकिन 2019 तक के सारे क्वेश्चंस को अपने जो टॉपिक वाइज सेट करके सॉल्यूशन करना शुरू कर दो, मैं तो खुद स्वीकारता हूँ यार, मुझे पहली बार यकीन हुआ कि इतना आसान पेपर आता है। आप देखो बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट हैं, उन पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लीज जो भी बच्चे देख रहे हैं, आपका कोई गामा बैच का हमारा बालक हो चाहे ट्वेल्थ का बिल्कुल एवरेज सा स्टूडेंट हो, दोस्तों यदि आप इन सारे प्रश्नों को ईमानदारी से निकाल के लॉकडाउन के अंदर घर बैठे बैठे तो आप आराम से 140-150 मार्क्स यहाँ लेके आ जाओगे। CLC की बायो DTS बायो केम DTS निकालोगे तो वहां भी ठीक से नंबर लाके आप आराम से दोस्तों 600 नंबर ला सकते हो। थोड़ा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अपने को, यूं तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, मानना मेरी बात को। ओके थैंक यू। 268 क्या कहता है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 16 टाइम्स इट प्रीवियस वैल्यू, द परसेंटेज चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। देखो दोस्तों क्या कहता है, किसी कण की गतिज ऊर्जा को प्रारंभिक मान का 16 गुना कर दिया तो इसके संगत लेमडा की वैल्यू बताओ। देखो डियर यहां मेरा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे, तो मैं डेली एक क्वेश्चन आता है ऐसा जो बदलता उसके पीछे 1, 2 लगाओ और समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग टिकाओ। ओके आजा, तू जानता जैसे लेमडार एनर्जी आती है, भूल गया क्या, P इक्वल टू एच बाई लेमडा और दोस्त अपन जानते हैं P इक्वल टू क्या होता है, √2ME, ये तो याद हो गया अब तक भाई, P इक्वल टू 2ME, तो तेरे सामने λ इक्वल टू क्या आ गया, H√2ME। अब तेरा क्वेश्चन पढ़े, किसी कण की गतिज ऊर्जा तो पार्टिकल वही है, एम के पीछे 1, 2 नहीं आएगा, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी को 16 गुना किया है तो कौन चेंज हुई, एनर्जी काइनेटिक, उसके पीछे 1 आएगा, किसको चेंज करना है लेमडा को, इसलिए लेमडा और एनर्जी के पीछे 1, 2 आएगा, बस सीधी सी बात है। तो मैं कह दूं λ1/λ2 = E2/E1 हो गया, बस हो गया मेरा काम यार, देख क्या रहा है, E2 E को E मान ले तो E2 क्या हो गया 16 ही, 16 ने बढ़ा ना तो माना E1 E है तो E2 क्या हो गया 16 टाइम, दोस्तों रूट से बाहर कर दे ये 4 हो गया तो तेरे सामने λ2 क्या आ गया λ1/4, λ2 क्या आ गया λ1/4, यानी λ2 जो है वो λ1 का 1/4 है दोस्तों। अब यहां ध्यान देना 1/4 हो गया, λ2 जो है वो λ1 से घटके λ1/4 हो गया, यानी 1 से 1/4 हुआ है, तो 1 से 1/4 हुआ इसका मतलब चेंज कितने का हुआ 3/4 का, इसलिए डिफरेंस कितने परसेंट का हुआ भाई 75, ये ध्यान का चीज़ मेरे 25 मत करना कहीं, क्योंकि λ2 हुआ है, अगला हुआ नहीं पूछ रहा है, वो कहता कितना परसेंट चेंज हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 75%। ओके थैंक यू। इस प्रश्न को एक बार आप फिर सुन लो कि λ कितना हो गया, तब तो कहेंगे कि पहले वाले का पहले 100 था तो उसका 25 हो गया, बट कितना चेंज हुआ, तो 100 से 25 पे आए हो ना, तो परसेंटेज क्या हो गया 75। ओके थैंक यू। ओके डियर फिर चले आगे 269। आ जाओ जी, क्या कहता 269 क्वेश्चन पढ़ो, रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई फास्ट नॉर्मल ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, वापस आ गया बोरा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मोमेंटम ट्रांसफर टू द सरफेस इज, दोस्तों वो कहता है संवेग स्थानांतरण कितना हो गया। ओ डियर, संवेग स्थानांतरण बोल चाहे फोर्स बोल, बात एक ही है, एफ बराबर dp/dt, तो डीपी और एफ में क्या फर्क पड़ता है, टी से डिवाइड कर देंगे, तो बहुत सिंपल से बात। अच्छा सरफेस क्या है, कंप्लीट रिफ्लेक्ट है, दोस्तों आपका सीधा आंसर हो गया 2E/c। ध्यान दे क्लास, आंसर क्या हो गया
टू ई बाई सी। यदि यही क्वेश्चन दोस्तों एब्जोर करता सुन लो रहे तो ई बाई सी आंसर होता रहे, यदि सरफेस एब्जोर करेगा तो ई बाई सी, रिफ्लेक्ट करता है तो डबल कर दो, क्यों, एक मोमेंटम जाते समय एक मोमेंटम आते समय। ओके थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 270, ये आपको लग रहा बड़ा सा बड़ा कुछ नहीं है, जो क्या कहता है, कोई मेटल है उसको लेमडा तरंग धैर्य के एकवर्णी प्रकाश से प्रतिदीप्त किया गया। देखो सुनो, पहला केस मान लो ये कोई सरफेस है, उस पर एक फोटोन डाला हमने, तो फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला आप एच न्यू भी कह सकते हो डियर, या एस सी बाई लेमडा, जानते हो ना, ये तो एक ही बात है, फोटोन की ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू कहो चाहे एस सी बाई लेमडा को। अगला स्पष्ट कहता है लेमडा का इस पर मैंने फोटोन डाला तो इस प्रकाश का प्रकाश विद्युत धारा के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, ओ डियर इस कंडीशन में स्टॉपिंग पॉइंट क्या है, 3V0 है। अब वो क्या कह रहा है डियर, मैं क्वेश्चन को चेंज कर लूं, मतलब इसका कलर चेंज कर लूं, अब कहता 2λ उसी पृष्ठ पे, उसी पृष्ठ का मतलब वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा, 2λ का डाला, डायग्राम तेरे फिर बढ़ा दूं, तो दोस्तों यहां क्या डाला अपन ने, 2λ का डाला तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, V0। तो कहता है प्रकाश प्रभाव के इसमें आपको दहली तरंग धैर्य थ्रीसोल्ड वेवलेंथ बतानी है। सुन भाई, कॉमन सेंस की बात है, लेमडा जितना ज्यादा होता है एनर्जी उतनी कम होती है, तो ये दोस्तों अधिक एनर्जी का फोटोन है, ये कम एनर्जी का फोटोन है, बात हुई ना, तो पेज खाली करें, आ जाओ, आओ डियर, देखो सुनो भाई, तरीका अपना एस सी बाई लेमडा डब्लू जीरो प्लस ईवी नोट, तो ईवी नोट का मतलब तेरा क्या आ गया, 3V0, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, उसको इसे मल्टीप्लाई कर दो। अगला देख एस सी वाई क्या डियर, 2λ, मैंने अगला कह रहा है डब्लू नोट तो चेंज होता ही नहीं है प्लस वी नोट, तो ये तेरे सामने क्या आ गया भैया, वी नोट, कोई गड़बड़, तो तेरे सामने एस सी बाई लेमडा डब्लू नोट इक्वल टू 3V0, एस सी बाई 2λ इक्वल टू ये हो गया, कोई गड़बड़, कोई गड़बड़ नहीं, तो चलो जी आप ऐसा करो इसको माइनस करें, तो ये आपका एस सी लेमडा माइनस एस सी बाई 2λ इक्वल टू क्या आ गया, 2V0, तो कैंसिल आउट हो गया, तो तू जानता है दोस्त ये एस सी बाई लेमडा बाहर निकाल ले तो 1 - 1/2 इक्वल टू क्या है भैया, 2V0, ये तेरे सामने क्या है एस सी बाई लेमडा हाफ इक्वल टू 2V0, ठीक है डियर, तो आप ऐसा करें वी नोट की वैल्यू यहां क्या आ गई, आप देखो वी नोट की वैल्यू क्या आ गई, वी नोट की वैल्यू आ गई एस सी अपॉन 4λ, ओके एग्री है ना, क्या आ गया वी नोट का मान क्या आ गया, एस सी अपॉन 4λ, मैं इसको मिटा देता हूं ले, अब तू जानता है इसकी वैल्यू तेरी इच्छा वहां पुट कर दे, वी नोट की जहां तेरी इच्छा पुट कर दे, ले इसमें पुट कर ले, ये देख फर्स्ट में पुट कर ले, तो एस सी अपॉन लेमडा डब्लू नोट प्लस 3V0, वी नोट क्या आ रहा है एस सी अपॉन 4λ, ठीक है डियर, अब तेरा ये डब्लू नोट को इधर ला, ये तेरा 1 है, ये 3/4 है, तो जानता 1 में 3/4 जाएगा तो 1/4 बचेगा, तो 1/4 एस सी वाई लेमडा, ठीक है डियर, तो ये तेरे सामने आ गया डब्लू नोट 1/4 एस सी वाई लेमडा, ठीक है डियर। अब तेरे आंसर जो दिए हैं वो किस रूप में दिए हैं, उस लेमडा के रूप में दिए हैं, अब तू जानता है डब्लू नोट क्या होगा, डब्लू नोट होगा एस सी बट्टे लेमडा नोट, अरे डब्ल्यू इक्वल टू एच न्यू नोट बोल चाहे या एस सी लेमडा नोट बोल, तो इसकी वैल्यू तू कहे तो मैं यहां पुट कर दूं एस सी अपॉन लेमडा नोट, कलर चेंज कर ले, एस सी कैंसिल आउट, तो दोस्तों ये क्या है, ध्यान दे क्लास से, 1/λ नोट इक्वल टू 1/4λ, तुझे क्या चाहिए लेमडा नोट इक्वल टू क्या हो गया 4λ, ले इक्वल टू क्या हो गया 4λ, क्वेश्चन नंबर 270 का आंसर 3 λ, बोलने में थोड़ी गड़बड़ होती है इसमें, हो गया, कुछ नहीं करना, सिंपल है, थैंक यू। मैं अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले फिर एक बात कह रहा हूं, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन हर साल आता है और एक ही क्वेश्चन है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस 1/2 mv², बस ये मास्टर चीज है इसकी, अब वो एच न्यू बोलते हो या एच सी बाई लेमडा बोलते हो, उसको 1/2 mv² बोलते हो या ईवी नोट बोलते हो, तो हमारी आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता क्वेश्चन की होती है, ओके डियर। अब आप क्वेश्चन नंबर 271 पे आ जाओ, क्या कहता है 271, देखो साफ कहता है दोस्तों, वो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, चलो वो कोई कहता है कोई मेटल है, इस पे लेमडा के विकिरण से इसको किया, स्टॉपिंग वी है,
इसी प्रश्न की तरंग दैर्घ्य को 2 लेमडा के विकिरण से प्रतिक्रिया तो स्टॉपिंग वी बाई 4 हो गया, तो इसकी दहली सेम क्वेश्चन है भाई, जो पहला किया है सेम क्वेश्चन है। अब इसको आप कहो तो मैं रिपीट कर दूं, मैं तो तुक नहीं मानता, लो आपकी प्रैक्टिस में कर देता हूं, ये काम कर सकता हूं। लो देखो डियर, फर्स्ट केस लेमडा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी, दूसरे में 2 लेमडा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी बाई 4, ठीक है, खाली करना भाई। तो डियर स्पष्ट पता लगता है हमें कि देखो आपके सामने एस सी लेमडा इक्वल टू एस सी लेमडा नोट प्लस ईवी, ओके। दूसरा क्या होगा तेरे सामने, सामने एस सी बाई 2 लेमडा एस सी बट्टे लेमडा नोट प्लस क्या होगा रे ईवी बट्टे 4। अब दोस्तों आप इक्वेशन एक भी से इक्वेशन 2 माइनस कर लो, चीज तो वही है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे चलो, तो इसका जो आंसर दोस्तों इसने दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या था ये 271, इसका आंसर 3 लेमडा दिया है। तो मेरे हिसाब से इस प्रकार की प्रॉब्लम्स में आपको बार बार करने को मतलब नहीं है, क्वेश्चन 1 बनेगी, क्वेश्चन 2 बनेगी और आंसर निकाल देंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 272, देखो 272 क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सरे का है, और एक्सरे पे आप एक फॉर्मूला अच्छी तरह जानते हो, एस सी लेमडा नोट इक्वल टू क्या होता है ई मैक्सिमम, और ई मैक्सिमम दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ना, एस सी लेमडा नोट इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, आपको क्या चाहिए दोस्तों लेमडा नोट, तो लेमडा नोट चला जाएगा, तो ये 2m एस सी अपॉन पी स्क्वायर, 2m एस सी अपॉन पी स्क्वायर। पर पता लगा ऐसी कोई इसमें दोस्तों आंसर ही नहीं है, कोई बात नहीं, कोई आंसर ऐसा नहीं है, पी नहीं है ना क्वेश्चन में, आप पी को फिर चेंज कर दो, पी क्या होता है अपन जानते हैं, पी इक्वल टू क्या होता है एच बाई लेमडा, तो एस स्क्वायर नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, पी इक्वल टू क्या होता है एच बाई लेमडा आ जा, तो लेमडा नोट इक्वल टू 2m एच सी, पी इक्वल टू क्या होगा एस स्क्वायर लेमडा स्क्वायर, देख एक एस से एक एच कट जाएगा, तो 2m सी लेमडा स्क्वायर बाई एच, 2m c lambda square by h, दोस्तों इसका आंसर है फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 272 का दोस्तों आंसर नंबर है फोर्थ, ओके। तो ये एक आपको देखो ये बात आपको याद रखनी होगी, इसमें एक्सरे आप जानते हो ना, डेरिवेशन तो पूरी साथ टीचर पढ़ाता है, क्लास में कराता है, ठीक है, ओके, थैंक यू। 273 दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो एक ही फॉर्मूला है, उस पर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नोट प्लस हाफ एम स्क्वायर। देखो सेम प्रश्न है, किसी फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कैथोड पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन आपतित है, ठीक है, आपतित इंसिडेंट है, इंसिडेंट है इसका मतलब एच न्यू इक्वल टू क्या है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों, ठीक है। इमिट इलेक्ट्रॉन की अधिकतम एनर्जी, अधिकतम एनर्जी का मतलब है आप इसको ईवी नोट कह सकते हो, इसको आप हाफ एम स्क्वायर कह सकते हो, ये कितना है 2 ईवी है, यानी डियर 5 इक्वल टू डब्लू नोट प्लस 2 ईवी, तो साफ साफ पता लग गया इसका डब्लू नोट है वो 3 ईवी है, सिंपल बात है यार, 5 का तो इंसिडेंट किया, 2 कहां खर्च हो गया, साफ कहता ना इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा, तो वर्क फंक्शन कितना काम आया 3, अब तो कुछ भी कर चाहिए डब्लू नोट चेंज नहीं होना। अब इस बार कहता वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दूं, डाल दिया 6 का डालूंगा ना, तो 3 तो कहां खर्च होगा वर्क फंक्शन में, मुझे साइड में क्या चाहिए 3, पर एक बात सुनना वो हमेशा किस में होता आ रहा है माइनस में होता है, तो इसका आंसर क्या देना पड़ेगा माइनस है। एक के सापेक्ष स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो दोस्तों एक ऑब्जेक्ट प्लस दिया हुआ हो और एक ऑब्जेक्ट माइनस दिया हुआ हो तो याद रखना चिन्ह किसके लगेगा रे माइनस के, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन को रोकना है, इलेक्ट्रॉन कौन रोकेगा नेगेटिव, तो -3 आंसर आ गया इसका, ओके थैंक यू। हाँ डियर, अब हमारा मॉडर्न का अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, एटॉमिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी एटम और उसका न्यूक्लियस जो परमाणु संरचना कहते हैं अपन, आ जाओ भाई। अगला कहता है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज इन हाइड्रोजन। देखो डियर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन और बामर श्रेणी की लंबी लेमडा के बीच, देखो भाई साफ सुन लो एक मिनट, एक दो तीन और 4 और इन्फिनिटी, आप जानते हो दोस्तों सेकेंड से फर्स्ट में कूदे इससे कम एनर्जी लाइमन में पैदा नहीं हो सकती, यानी इससे ज्यादा लेमडा पैदा नहीं हो सकती, और इनफाइनाइट से कूद के लाइमन में आए इससे अधिक एनर्जी डेवलप नहीं हो सकती, तो इससे कम लेमडा पैदा नहीं हो सकती, तो इसको तो कहेंगे लेमडा मैक्सिमम, इसको कहेंगे लेमडा मिनिमम, किसके लिए लाइमन के लिए। अब जरा बामर में आ जाओ आप, ये कौन है बामर सेकेंड, तो बामर में थर्ड से सेकेंड में आए इससे कम एनर्जी इमिट नहीं हो सकती, तो ये एनर्जी
मिनिमम है तो लेमडा मैक्सिमम है, और अनंत से जो आती इनफाइनाइट जो आती है एनर्जी मैक्सिमम है तो लेमडा मिनिमम है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है डियर, हमें इनकी मैक्सिमम लेमडा का रेशियो चाहिए। तो मैक्सिमम लेमडा के लिए आप जो ध्यान दे क्लास, लेमडा मैक्सिमम करना है तो एन वन की वैल्यू 1 और एन टू की वैल्यू 2, साथ हो रहे मेरे। लाइमन सीरीज में तेरे को मैक्सिमम लेमडा चाहिए, तो लाइमन का मतलब एन वन तो 1 और एन टू मैक्सिमम का मतलब है सेकंड से कूदाओ। बामर में वही तेरा लेमडा मैक्सिमम करना है, तो लेमडा मैक्सिमम करना है तो एन वन की वैल्यू तो 2, बामर है ना तो 2 रहेगा, और एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 बस। अब आपको इनका रेशियो निकालना है। अब रेशियो में दोस्तों अपन बात शुरू करते हैं, बोर्ड खाली करें भाई, तो एक बार मैं आपको कंप्लीट इसको एक बार दोस्तों खाली करके बताता हूं। सबसे पहले अल्फा लाइमन मैक्सिमम लिख दूं तो आप जानते हो आर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, ओके। एन वन की वैल्यू 1, एन टू की वैल्यू 2, दिस इज देखो लेमडा अल्फा लाइमन मैक्सिमम आर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, तो लेमडा एल मैक्सिमम तेरे सामने सामने क्या आ गया भाई 3R/4, बोल हाँ आना राजी है आजा। अब तू बामर पे आ जा, तो लेमडा बामर मैक्सिमम, तो लेमडा बामर मैक्सिमम, तो वही तेरा फॉर्मूला 1/n1² - 1/n2² बामर का n1 क्या होता है 2 और मैक्सिमम का n2 क्या होगा 3, ओके डियर। तो लेमडा बामर मैक्सिमम इक्वल टू आर, सीधा कर दूं n1 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको ऐसे कर दूं मैं 1/4 - 1/9। दोस्तों आप ऐसा करो 36 इसका एलसीएम लो, तो यहां क्या बचा 5, यहां क्या बचा 4 बचा ना, सॉरी गलत हो गया 36, ये कितनी बार गया 9 बार, ये कितने गया 4 बार, तो ये बचेगा आपका 5R अपॉन 36 कौन लेमडा बामर का मैक्सिमम। बस डियर इन दोनों का रेशियो निकाल दो, किसी में किसी का भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 36 मल्टीप्लाई सॉरी ऊपर जाएगा ना, ये 3R था ना, डिवाइड कर दो लेमडा बीटा मैक्सिमम, तो तेरा ये 5R नीचे जाएगा और 36 ऊपर जाएगा, R से R कैंसिल आउट कर दे, ठीक है डियर। ये तेरा 9 चौक 36, ये 27/5, तो ये तो 27/5 है क्वेश्चन में आना, बट आंसर क्या है क्वेश्चन में आना भाई, दूसरा क्वेश्चन निकाल दिया आपने, 27/5 नहीं उल्टा पूछा 5, ये लो 5/5/27, हाँ यहाँ 27/5 और 5/27 होता ना, तुम थोड़ा वो सीरियस करता है इसको, पर मैं देख लिया था ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट रिवर्स नहीं थे, तो 5/20। तो सुनो लाइमन बामर पास्ट टाइम ब्रेकर सब आपको पता है, मैक्सिमम लेमडा मिनिमम लेमडा जिसको बोलते हैं बाउंड्री वेवलेंथ, ये एनर्जी से डिसाइड होता है, ठीक है ना, ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 275, ये एक बिल्कुल अच्छी सुंदर प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट पे आधारित प्रॉब्लम, द्रव्यमान क्षति क्या, सुनो पूरी बात। जब न्यूक्लियॉन्स मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, जब नाभिकीय कण मिलके नाभिक बनाते हैं, तो मास में कमी होती है, इसको मास डिफेक्ट कहते हैं, एक शब्द कहते हैं कामलेश ने मास डिफेक्ट, ठीक है डियर। तो मास डिफेक्ट जो है, इरादा कोई शब्द आपका मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति जो होती है उससे एनर्जी बनती है, उसका दोस्तों फॉर्मूला होता है E=ΔmC², बट इसका एक डेटा हम सबको याद है, याद करना ही पड़ेगा, यदि कहीं मास डिफेक्ट 1 amu हो जाए तो दोस्तों 931 एटॉमिक मास बोलते हैं इसको, ये कहीं मास डिफेक्ट 1 amu दिया हुआ हो तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बन जाती है। अगला साफ कहता है यहां दोस्तों ये मास डिफेक्ट है, बिना कोई दिमाग इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा इसका आंसर 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। वैसे मेरी बात बताऊं भैया, ये दोस्तों हीलियम हाइट का है ना, हीलियम में ऑलमोस्ट ये 27 के आसपास होता है, वैसे याद रखना पड़ेगा तेरे को, हीलियम की जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 28 बोलता है, 27-28 के मेगा इलेक्ट्रॉन आसपास होती है ये, ठीक है ना। और ये 931 याद नहीं तो भाई साहब मेरे पास कोई इलाज नहीं, नमस्कार है तेरे को, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 276 बिल्कुल एक सेपरेट छोटा सा पैरा सा क्वेश्चन है, भगवान ने चाहे तो 2020 आएगा। एक तो एनर्जी है फोटोन की और एक एनर्जी है किसी पार्टिकल की, ठीक है, वो भी चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल को किसी वी वोल्ट से एक्सीलरेट करेंगे, गति करेगा, एनर्जी आई काइनेटिक।
आप मेरे साथ हो जाओ, देखो दोस्तों, किसी भी चार्ज पार्टिकल का P इक्वल टू एच बाई लेमडा, P इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, रूट टू एम ई, ओके, तो तेरा लेमडा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन टू एम ई का रूट, पता हाँ या ना, P इक्वल टू एच बाई लेमडा, P इक्वल रूट टू एम ई, तो दोस्तों लेमडा एक हो गया। अब आगे चल, फोटोन, फोटोन की एनर्जी जानते हैं, पर फोटोन की एनर्जी कहने की बात ही नहीं है डियर, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एस सी बाई लेमडा फोटोन, क्लियर। अब आप एक काम करें दोस्तों, ये जो E है उसकी वैल्यू क्या है, एस सी बाई लेमडा पी, और ये तेरे सामने लेमडा E की वैल्यू क्या है, एच अपॉन रूट टू एम ई, बस इसको इक्वेशन वन कह दो, इसको इक्वेशन टू कह दो, आपके तो दोनों E सेम है, तो मैं आपके लिए ऐसा कर दूं, लेमडा E इक्वल टू एच, रूट में चल रहा, रूट टू एम ई, ई रिप्लेस बाई एस सी अपॉन लेमडा पी, बोला है ना, ये देखो ना, बस अब तेरे सामने लेमडा ई, तू देख खुद देख भाई, ये तेरा ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल क्या हो गया रे, लेमडा पी। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है क्या, देखना, लेमडा ई रूट लेमडा पी नहीं है, लेकिन अब इसको तो स्क्वायर करेगा तो लेमडा पी डायरेक्टली प्रपोर्शनल लेमडा ई का होल स्क्वायर, ऐसा ऑब्जेक्ट है, लेमडा पी डायरेक्टली प्रपोर्शनल लेमडा ई का होल स्क्वायर। 276 का मैं चेक कर लूं भाई, क्वेश्चन आंसर 3 दिया, बिल्कुल फिट है, ओके, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 277, ये रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, यहां थोड़ा मेरी फंडा आ रहा है, मेरे फंडे से काम करूंगा भाई, पहले सुन रहा मैं, देखो साफ कहता है, किसी रेडियो, आप पूरा पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लिया, किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स की हाफ लाइफ क्या है, 20 वर्ष है, डीके होने के बाद ये वाई में चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स है, डीके कहां चला गया भैया, वाई में चला गया, जो स्थाई है, स्थाई का मतलब उसके बाद डीके नहीं होता है। अब वो कहता है कि एक्स और वाई का रेशियो जो है वो 1:7 है, चट्टान में अक्ष तथा वायु का अनुपात 1:7 पाया गया, तो चट्टान की अनुमानित आयु क्या, इसकी आपको एज बतानी है। देखो दोस्तों, इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि आपके सामने 1/7 का हिस्सा हो जाता है ये, तो इसको ऐसे नहीं करते हैं, देखो दोस्तों, पहले माना कि 1 है, ठीक है, 1 से आप हाफ करोगे, एक हाफ लाइफ में कहाँ जाएगा, 1/2, फिर अगली हाफ लाइफ में कहाँ जाएगा, 1/4, फिर अगली हाफ लाइफ में कहाँ जाएगा, 1/8 जाएगा, ध्यान दे क्लास, 1 है एक हाफ लाइफ में, 1/2, 1/4, 1/8, इसको बोलते एक हाफ लाइफ काम आई, दो हाफ लाइफ काम आई, और तीन हाफ लाइफ के बाद ये 1/8 हो गया, 1/8 का मतलब ये दोस्तों कितना बचा, 1/8 बच गया ना, तो 7/8 डीके हो गया, वो ही चाहता है, तो तीन हाफ लाइफ में, एक हाफ लाइफ कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की, आंसर क्या हो गया, 60 वर्ष, दिमाग मत लगाओ इसमें, कोई फॉर्मूला नहीं मेरे पास इसका भैया, है उसको काम देता मैं, आप तो दोस्तों स्पष्ट कहता अगला, कि अगला आराम से आपको कह रहा है कि एक्स और वाई है, टूटते टूटते ये 1:7 रेशियो में था, तो देखा जाए तो ये 1/8 तक चला गया, ठीक है, करो ना यार, 1-1/8 7/8 हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसमें तीन हाफ लाइफ काम आ गई, तीन हाफ लाइफ काम आ, एक हाफ लाइफ कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की, आंसर क्या हो गया, 60, ओके, थैंक यू। हाँ डियर, आपका 278 का क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डेटा याद दिखाता हूं, वो आप याद करो, देखो डियर, ये याद ही करने पड़ेंगे भाई, एग्जाम में कोई रास्ता नहीं है इनका, इतने तो याद ही करने पड़ेंगे, आगे तेरी मर्जी है। ये दोस्तों माना कि कोई हाइड्रोजन एटम है, तो इसके फर्स्ट शेल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर होती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर होती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद कर ले भैया, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। अब डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ का जो डिफरेंस है, एक वो आपको याद रखना पड़ेगा, एक यहाँ का डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, एक यहाँ का डिफरेंस याद रखना पड़ेगा, तो तेरे सामने सामने ये डिफरेंस तो कितना, मैं कलर चेंज कर दूँ तेरे लिए, ये डिफरेंस तो है 10.2, ये सारे किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये डिफरेंस क्या है तेरा 12.1 में, और ये डिफरेंस दोस्तों आपका है 12.75 में, यानी चौथे से फर्स्ट में आएगा तो 12.75, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो 12.1, सेकेंड से फर्स्ट में आएगा तो दोस्तों 10.2, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे,
क्लियर, कोई रास्ता नहीं है। क्यों? कि जो क्वेश्चन तेरा दिया है ना, इशारा करूंगा, देखो मैं अगला साफ कहता है, ओके डियर मिटाऊ इसको मैं, ये डेटा है याद है मुझे, उम्मीद तेरे पूर्ण है। अगला साफ कहता है इतने लेमडा का फोटोन वहां से एक्साइट हो रहा है, तो दोस्तों इससे लेमडा की एनर्जी बनाए, तो ये एक सीधा फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये होता 12345 लेमडा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लगभग कुछ किताब इसको ऐसे भी लिख देते हैं 12400 बट्टे लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इस लेमडा की वैल्यू मैं 900 पीछे रिपोर्ट करूंगा ना, तो इस एनर्जी का मान स्पष्ट रूप से 12.75 आएगा, मान ले मैंने किया है 12.75 आया, इसका मतलब इस प्रश्न में आपने 12.75 का फोटोन एक्साइट कर दिया। 12.75 का डिफरेंस किसका होता है, पहले से चौथे में, तो यहां तक तो क्या बात निकली, ये इलेक्ट्रॉन पहले कोष से एक्साइट होकर कहां चला गया, फोर्थ कोष में। ओके यहां तक बात सुन ले, पहले तेरे को याद रखना पड़ेगा इक्वल टू 12375 कहता है, कोई 45 कहता है, कोई खास बात नहीं, एग्जैक्टली 12400 लेमडा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसकी वैल्यू पुट कर ले, करके देख रखे मैंने, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट और फोर्थ का डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, फोर्थ में। अब वो कितने स्पेक्ट्रम बनाएगा, इस पे मैं फिर एक नई बात बताता हूं, कितने स्पेक्ट्रम बनाएगा, तो एक्चुअल में प्रश्न तो ऐसा बन गया ये फोर्थ में है, कितने स्पेक्ट्रम बनाएगा, इसका सीधा फॉर्मूला होता है आप जानते हो, एन 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 माइनस वन बाई टू, एन कितना है फोर्थ, चार माइनस एक कितना हुआ तीन, इसमें दो का भाग दो और दोस्तों ये कितने आगे, छह आगे, ये तो फॉर्मूला है एक, ओके छह स्पेक्ट्रम आगे, मैं ऐसा नहीं करता, सुन ले, जिस सेल में बैठा है फोर्थ, तो वहां तू ना इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, उससे एक कम ले ले, चार में बैठा ना, तो 3 2 1 6, और यहां एक सुंदर बात तेरे को क्या है, ये तीन तो है लाइमन, दो है बामर, एक है पश्चन, बहुत बार पूछता है कई बार, बता इस क्वेश्चन में विजिबल लाइट के अंदर कितने स्पेक्ट्रम है, तो लाइमन तो कहां पाया जाता है, अल्ट्रावायलेट में, और बामर कहां पाया जाता है, विजिबल लाइट में, तो विजिबल कितने हुए दोस्तों, दो हुए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रश्न को फिर सुन ले, सबसे पहले तेरे को मैंने हाइड्रोजन डेटा याद करवाए, करने पड़ेंगे, फिर तेरे को E इक्वल टू 12400 बाई लेमडा का एक डेटा याद कराया, करना पड़ेगा, याद है प्रैक्टिस है, ये 12.75 आ गया, कहाँ पहुंच गया, फोर्थ में, स्पेक्ट्रम पूछ रहा है, तो कॉमन फॉर्मूला होता है एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन बाई टू, फोर मल्टीप्लाई थ्री बाई टू, सिक्स, लेकिन इसका एक फंडा भी है, जहां खड़े उससे 3 2 1, ऐसे ही बताने को जा 3 2 1 6 हो गए, तीन कौन है लाइमन, दो है बामर, एक है ब्रैकेट, लाइमन बामर ब्रैकेट, पास इस तरह से सीक्वेंस होती है, क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 279 क्वेश्चन में क्या होता है कि एक लिथियम और एक हाइड्रोजन, इसको ये एक्चुअली प्रोटॉन है, इसको हाइड्रोजन परमाणु कह सकते हैं, ये इस प्रकार की रिएक्शन बनती है, क्यू एनर्जी इसमें रिलीज होती है, यहां एक शब्द है बहुत काम का, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एग्जाम्पल देता हूं मैं, हीलियम का न्यूक्लियस बनता है ना दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन से मिलके, तो एनर्जी डेवलप होती है ऑलमोस्ट 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तो हीलियम के न्यूक्लियस की एनर्जी है, यदि आपसे पूछते पर न्यूक्लियन है, तो दोस्तों हीलियम में कितने न्यूक्लियंस हैं, चार, तो 28 को चार से डिवाइड करना होगा, वो होगी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से बात बनती है, बस आ जाओ, अब आप खुद देखो यहां क्यू इक्वल टू क्या है, तो एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो हीलियम है, हीलियम कितनी आ रहा है, देखो दूसरी हीलियम वाली और 7.06, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एक इसके लिए एक इसके लिए, ओके माइनस रिएक्टेंट कौन है लिथियम, कितनी आ रहा है 5.6, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, बस सीधी सी बात है, प्लस 0 क्योंकि प्रोटॉन को तो इसमें काउंट करेंगे नहीं, वो तो इग्नोर हो जाता है, अब दोस्तों इनको आप गुणा भाग करोगे ना तो एग्जैक्ट 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, प्लीज Q इक्वल टू प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी और पर न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना डियर, उसको न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दिया करो बस। अब आप कहोगे साहब ये फिर आपने चार से मल्टीप्लाई दो, अरे भाई हीलियम दो बार आ गया ना, तो एक इसके लिए है एक इसके लिए है, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 280 मुझे साफ दिखाई दे रहा है, 277 और 280 दोनों एक क्वेश्चन है, पढ़ लो चलो क्या कहता है, एक रेडियोएक्टिव समूह एक्स है, इसकी हाफ लाइफ ये है, वो वाई में शहीद हो गया, वही 1/7 आ गया ना, तो 1/7 का मतलब दोस्तों वही है, एक पहले एक था उसमें से 60 टूट गए, तो वही 1/8 तक आना होता है, 1/8 का मतलब एक से कहां गए
वन बाई टू तक गए, वन बाई टू से कहाँ गए, वन बाई फोर तक गए, वन बाई फोर से गए तो एक हाफ कलर चेंज कर लूँ, एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, ये लो भैया तो 1.4 × 10⁻¹ मल्टीप्लाई तीन हाफ लाइफ 14 × 3 = 42, 4.2 × 10⁻¹, 4.2 × 10⁻¹, कुछ नहीं करना है इसमें दोस्तों, 280 का आंसर क्या हो गया हमारा 3। इसको बोलता हूँ सीढ़ी चढ़ना सीढ़ी उतरना, बहुत ईजी है ये, दिमाग इसमें फॉर्मूला मत लगा दो, सीढ़ी उतरना, तीन सीढ़ी उतर गया तू, एक सीढ़ी कितने की है हाफ लाइफ, एक सीढ़ी है, तीन से मल्टीप्लाई कर दे, ओके थैंक यू। ओके डियर नेक्स्ट क्वेश्चन 281, तो सिंपल क्वेश्चन है यार, पी और लेमडा के बीच कर्व है, याद करो दोस्तों पी इक्वल टू एच बाई लेमडा, पी लेमडा के इनवर्स है, याद करो जब एक्स वाई के इनवर्स होता है तो कर्व क्या होता है हाइपरबोलिक, तो कौन सा सही लग रहा है आपको, ये लो जी थर्ड, ओके थैंक यू। हाँ तो डियर क्वेश्चन नंबर 282 में लैंग्वेज तो अजीब सी बात कर रहा है आपको दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में एनवे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता मास्टर जो याद रखना पड़ेगा, और वैसे भी इस बार सीकर सीएलसी टारगेट में तो पूरा टॉपिक मैंने करवाया था, वी इक्वल टू 2.188 × 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, ये डाटा याद रखना पड़ता है, याद है। अब दोस्तों जेड कौन है यहाँ पर, हीलियम, जेड दो हो जाएगा, कौन सा कोस है थर्ड कोस, एन का मान तीन हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू 2.188 × 10⁶ मल्टीप्लाई 2/3, इसको डियर अपन गुणा भाग करेंगे तो आप चेक करके देख लें इसका एग्जैक्ट आंसर, दोस्तों देखो दो दून चार, चार में तीन का भाग देंगे जो 14 × 3 = 42 वो आंसर हो जाता है, तो 1.46 इसका आंसर आएगा, 1.46 × 10⁶। उसमें मुद्दे की बात ये नहीं, आंसर क्या मुद्दे की बात है कि 2.188 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई जेड बाई एन, याद याद नहीं है तो याद रखना ही पड़ेगा, ओके थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 283 एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3, भैया याद रखना होगा इसको, ए एटॉमिक नंबर, आर उसकी रेडियस, बस इतनी सी बात ही है, तो आप कहते हैं रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम इज टेकन आर एल्यूमिनियम, देन द रेडियस ऑफ टेल्यूमिनियम, तो इन दोनों की रेडियस दोस्तों सीधी सी बात है, रेडियस का रेशियो निकालना है, ओके ध्यान देना, इसमें हमेशा डेटा वो आएंगे जिसका आप क्यूब निकाल सकते हो, एग्जाम आपको बहुत सिंपल सी बात करना चाहती है, तो आ जाओ दोस्तों आर एल्यूमिनियम अपॉन आर टेल्यूमिनियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल्यूमिनियम कितना आ रहा है 27 और टेल्यूमिनियम कितना है देखो 125, इसकी पावर 1/3, ये क्या है 3/5, ये ले आंसर आ गया। तो अगला क्या पूछता है, तो टेल्यूमिनियम की पूछी अगले ने, तो टेल्यूमिनियम इधर ले जाओ तो 5/3 आर एल्यूमिनियम, 5/3 आर एल्यूमिनियम, ये लो 283 का आंसर क्या हो गया डियर आपका 3, सीधा फॉर्मूला है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3, ठीक है डियर, ये एटॉमिक मास है, मैं इसे एटॉमिक नंबर बोल के भूल से, हाँ ये एटॉमिक मास है, ये थोड़ा इतना तो जानते हो सब लोग आप यार, जेड और ए पूरी तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 284 बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिडबर्ग का वैल्यू दे दिया अगले ने, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बामर की बामर श्रेणी की अंतिम लाइन की तरंग संख्या, देखो नंबर ऑफ लास्ट लाइन, देखो लाइमन बामर, बामर की लास्ट का मतलब होगा दोस्तों N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू इन्फिनिटी, सीधी सी बात है, देखो लाइमन बामर, तो बामर का N1 कितना हुआ 2, लास्ट कौन होती है इन्फिनिटी पास, आ जाए डियर 1/λ r (n^1²-n^2²), ओ डियर 1/λ r, और ये तो क्या हो जाएगा तेरा खत्म हो जाएगा ये 1/4, तो दोस्तों लेमडा इक्वल टू क्या है 4/r, अब 4/r कर ले, गुणा भाग करना पड़ेगा आपको, मजबूरी हमारी, ठीक है डियर, तरंग संख्या होगी, अच्छा सीधी सी बात है अगले ने आपसे लेमडा नहीं पूछी है, लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइन पूछा है ना, तो वो आप जानते हो न्यू बार होता है 1/λ, 1/λ दोस्तों हम जानते हैं क्या है r/4 है, r की वैल्यू क्या है 10⁻⁴, बट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है 10⁻⁴, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों 1/4 में आप डिवाइड कर लो यार तो 0.24 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, तो 0.24 × 10⁻⁷ ये आंसर हो गया 284 में दोस्तों, आंसर नंबर क्या हो गया 2, ओके थैंक यू।
हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 285 ये वापस आ गया है, वही क्वेश्चन है पहले वाला। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड फोटोन हैव सम एनर्जी, सेम एनर्जी ई, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू विद डैमेज। तो साफ कहता है एम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, एक फोटोन है, दोनों की एनर्जी समान है, उनकी लेमडा का रेशियो बनाना है। पर ये पढ़ा दिया, ले फिर कर देता हूँ, पेज खाली करें दोस्तों, इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, लेमडा, देखो सुनो, फोटोन के लिए अपन जानते हैं ई इक्वल टू एस सी बाई लेमडा फोटोन, पार्टिकल के अपन जानते हैं डीएल पी इक्वल टू क्या होता है एच बाई लेमडा, और पी इक्वल टू क्या होता है रूट टू एम ई। तो डीएल स्पष्ट स्पष्ट बात है कि लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट टू एम ई, किसके लिए रहे, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का लेमडा ई तो है ये, और फोटोन को दोस्तों लेमडा आपके सामने सामने क्या है एच सी बाई ई, क्लियर। अब हमें इस प्रश्न में अगला स्पष्ट कहता है कि इन दोनों की लेमडा का आपको रेशियो बताना है, और दोस्तों दोनों की ऊर्जाएं क्या है एक समान है, रेशियो निकालना है। तो किसी में किसी को भाग दे लो, क्या फर्क पड़ता है यार, तो कलर चेंज कर दूं आपके लिए, आ जा लेमडा फोटोन अपॉन लेमडा इलेक्ट्रॉन, फोटोन क्या है एस सी वाई ई, ये तेरा एच, ये क्या है रूट टू एम ई, एच एच कैंसिल आउट कर दे, सी को यहाँ ले और ए इस ई को अंदर ले ले, ए टू एम बाई ई, बता क्या दिक्कत है, लेमडा फोटोन बट्टे लेमडा इलेक्ट्रॉन, ये ले डियर, ये तेरे सामने इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन खोलना भाई, तो ये तेरे सामने सी बाहर है, सी बाहर है और टू एम ई बाई का रूट है, बट ऐसा पता लगे ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, उल्टा कर ले, वन बाई सी कर ले, ई को ऊपर कर ले, टू एम का रूट कर ले, ये तेरे सामने क्या दिक्कत है दोस्तों, फोर्थ आंसर आ गया। तो 285 का आंसर क्या हो गया फोर्थ, वो तो डिपेंड करता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या। ओके थैंक यू डियर, क्वेश्चन नंबर 286, ये प्रश्न बताऊँ क्या है, देखो मैं आपको चीज समझाता हूँ। ये मान लो कि दो मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाऊंगा ना तो रिपल्सन है, पर मैं धक्का दे रहा हूँ, मैं लाऊंगा लाऊंगा, पर एक स्थिति आएगी कि यहाँ से ये स्लिप मार जाएगा, कि मेरा फोर्स इसके रिपल्सन के जब बराबर हो जाएगा तो मुझे भगा देगा ये, बस वो बात सेम है। यहाँ क्या कहता है, इस प्रश्न को आप पढ़ लिया, आपने ढंग से पढ़ लेना, ये कोई एक एटम है जिसका प्लस जेड ई है, इसके ऊपर एक अल्फा कण का बम्बारमेंट कर रहे हैं, अल्फा कण जाएगा एक वापस मुड़ जाएगा, जहाँ से वापस दोस्तों मुड़ेगा वो डिस्टेंस आपकी क्या है आर नोट, तो ये आर नोट तक जाता है जहाँ इसकी काइनेटिक इक्वल टू दोनों की पोटेंशियल हो जाती है, सीधी सी बात है, वो सिंपल फंडा है, हाफ एम वी स्क्वायर के जेड ई मल्टीप्लाई टू ई अपॉन आर नोट। यहाँ मुद्दे की बात क्या है, काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल, क्या होती है पोटेंशियल, एक क्यू वन चार्ज एक क्यू टू चार्ज, डिस्टेंस आर नोट है, तो यू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, मुझे केवल आर और एम कर्ज तो चाहिए यार, ये ला आर तेरे सामने सामने एम के इनवर्स है, ये आपका आंसर क्या हो गया फोर्थ। ओके थैंक यू, क्वेश्चन नंबर 287, चलो जी, ये दोस्तों स्पेक्ट्रम क्वेश्चन है, हमें स्पेक्ट्रम के बारे में सब कुछ पता है, एक बार लो जैसा कहता है वह चित्र बना लो आप, तो वो कहता है हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आता है, बस इतना एक मिनट यहीं खड़ा रहे, एक बार थर्ड से सेकंड में आता है तो लेमडा निकलता है, अब कलर चेंज कर, दूसरा क्या कहता है दोस्तों, जब फोर्थ से थर्ड में आता है, फोर्थ से थर्ड में आता है तो क्या है लेमडा डैश, बस तो फोर्थ से थर्ड में आता है तो उसका लेमडा डैश आपको फाइंड आउट करना है। ओके डियर, खाली करें पेज भाई, आप देख दो यहां, देखो तो यहां तेरे सामने है वन बाई लेमडा आर, सीधा कर दूं तेरे सामने मैं, टू का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, और ये दोस्तों हम गुणा भाग बहुत बार कर चुके हैं, ये एक बट्टा चार कर ले यार, आड़स मत कर, एक बट्टा चार एक बट्टा नौ, टेढ़ा वगैरह लिखते लिखते तो यार, तो ये तेरे सामने 36 आएगा, ये तेरा कितनी बार नौ बार, ये तेरा 36 होगा ना तो नौ बार जाएगा, वो तेरा चार बार जाएगा तो कितना आएगा 5, ये तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें आ जा, तो एक बट्टा लेमडा डैश इक्वल टू आर, ये फोर्थ से तो नौ माइनस 16 कहाँ से आया, फोर्थ से थर्ड में आया, बस दान का चीज का, तो वन बट्टे लेमडा डैश इक्वल टू आर, ये दोस्तों 16 मल्टीप्लाई लो आपका आ गया इसका एलसीएम, तो 16 माइनस 9, जरा तुरंत बोल रहा भाई किशोर कितना होगा, 16 मल्टी 9 कितना होगा भाई 144। ओके डियर, बस अब आ जाओ, तो 1 बाई लेमडा
अपॉन लेमडा डैश बाई वन, ओके कर दूं, तो ये तेरा क्या है रहा है, फाइव आर अपॉन 36 सेवन आर मल्टीप्लाई 144, आर से आर कैंसिल आउट कर दे दोस्तों, 36 और 144 हम जानते हैं, 36 और 144 को हम डिवाइड करेंगे तो आप देखो ना, चार से गुणा कर लो, छः चौक चौबीस, चार हो गया ना, ये तेरे सामने चार आ गया, तो दोस्तों आंसर आ गया 20 आर अपॉन सेवन। क्वेश्चन माना भैया 20, सॉरी आर तो कैंसिल आउट, सॉरी आर आर नहीं, वापस लाना, आर नहीं भी, आर तो कट गया, 20/7 तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो तो 20/7 लेमडा, ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन 288, 288 ये फिर मेरे फंडे से करूंगा मैं, यहां मैं फिर कोई कानून काम नहीं लूंगा। तो साफ कहता है किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की हाफ लाइफ क्या आ रहा है, 30 मिनट है। वो कहता है रेडियोएक्टिव पदार्थ के 40% छह से 85% तक का डीके, 40% से डीके कहां तक जाना है, 85% तक, 40% डीके हो गया तो कितना बचा 60, 85 डीके हो गया कितना बचा 15, 60 से 15 पे जाना है तो जानता 60 से क्या होता है 30, 30 से क्या होता है 15, ऐसे गिरता है, दो हाफ लाइफ, बस दो हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ कितने मिनट की, 30 मिनट की, दो हाफ लाइफ के लिए कट फिट हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 289, मैं कम से कम चार क्वेश्चन कर चुका हूं ऐसे, देखो द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इज थर्मल इक्विलिब्रियम विथ हैवी वाटर एट ए टेम्परेचर टी एंड मास, वो कहता है किसी न्यूट्रॉन का मास एम है, टी केल्विन ताप पे भारी जल के साथ उसमें संतुलन में है, तो दोस्तों अपन जानते हैं इसकी लेमडा पूछिए ना, तो लेमडा का वही फॉर्मूला है एच अपॉन रूट टू एम ई, और टी के साथ वो क्या है इक्विलिब्रियम में है तो इक्वल टू 3/2 के टी, याद है ना केटी जी, इक्वल टू 3/2 के टी, तो दोस्तों लेमडा इक्वल टू 2m 3/2 के टी का रूट 2 से 2, तो लेमडा इक्वल टू एच 2m के टी, आपका फर्स्ट आंसर हो गया, थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 290 जैसी लैंग्वेज है, यदि मैं इसी को सोल्व करूं तो मेरे टी की वैल्यू आएगी -1/7 लेमडा, जिसका आंसर ये है, लेकिन ये बात भैया मैं कैसे कह दूं कि टाइम नेगेटिव हो सकता है, इसलिए मैं इस प्रश्न की लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ ए जो है 1/e, इसको उल्टा करेंगे अपन, ये तो कह रहा है एन बी अपॉन एन ए बाई 1/a, मैं इसको ऐसे कहूंगा एन बड़ा ए सॉरी बड़ा एन एन ए एन बी इक्वल टू 1/e, बस ये ध्यान रखें। फिर से कह रहा हूं आंसर इस क्वेश्चन से निकाल दूंगा मैं, वहां माइनस आएगा बट टाइम माइनस थोड़ा सा बोलने में सही नहीं लगता, अपन लैंग्वेज चेंज कर ली, सॉल्यूशन वही रहेगा जो इच्छा अपन माने, ओके डियर सॉल्यूशन में आ पाए। देखो डियर साफ साफ पता लग रहा है इसमें एन ए बाई एन बी इक्वल टू 1/e, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या है एन ए एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा एट टी, और एन बी क्या है एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा टी, टी टी से मल्टीप्लाई कर दो, ओके डियर अगला खुद कह रहा मैं नहीं कह रहा, एन नोट इक्वल कह रहा है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो एन ए बाई एन बी क्या हो गया 1/e, कैंसिल आउट कर दे तो ई की पावर क्या है माइनस 8 लेमडा टी अपॉन ई की पावर माइनस लेमडा टी 1/e, सोल्व कर रहे बायो का बच्चा है पावर ऊपर ले जा, ई माइनस 8 लेमडा टी ऊपर पावर क्या हो जाएगी प्लस, ये ऊपर क्या हो जाएगी माइनस 1, ये तेरा क्या माइनस 7 लेमडा टी इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, तो टी इक्वल टू है 1/7 लेमडा। क्वेश्चन आना बेटा मेरे हिसाब से भैया इसका आंसर फर्स्ट दूंगा, ध्यान दे क्लास, मैं इसका आंसर भैया फर्स्ट दूंगा जी, मैंने मेरा क्वेश्चन चेंज कर लिया है, और जो क्वेश्चन आपका है वैसा करें तो आंसर फोर्थ आता, और फिर से मैं टाइम नेगेटिव का अग्री नहीं करता, ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 291 ये वापस उसका आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस्ट क्वेश्चन है, बीच में आ गया होगा, वो कहता है चांदी के लिए प्रकाश विद्युत दहली तरंग धैर्य ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये है, इतने मीटर तरंग धैर्य की कोई इस पे प्रकाश डाला तो निष्कासित इलेक्ट्रॉन का वेग, ये वापस क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, चलो बिडो एसी बाई लेमडा एसी लेमडा नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, आया ना इंसिडेंट फोटो एनर्जी, एक एक हिस्सा कहां खर्च होगा वर्क फंक्शन में, बाकी कहां जाएगा उसको चक्कर चलाएगा, ओके डियर, तो तेरे सामने सामने है आपको ये लेमडा है ये लेमडा नोट है,
और निष्कास इलेक्ट्रॉन का दोस्तों वेग बनाना है, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी लंबी गुणा भाग है, इसके अलावा कोई इसमें मतलब नहीं है। आप चाहो तो लो कर लो, एस सी बाहर निकाल लो, वन बट्टे लेमडा लेमडा नोट इक्वल टू, इधर आ गया ना, तो इक्वल टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई टू। अलो भाई वी का मान निकाले, वे गुणा भाग खुद कर ले। एग्जैक्टली दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 291, इसका आंसर फोर्थ भी सही है, वन भी सही है और फोर्थ भी सही है, कि दोनों का मतलब एक ही है। वन भी वो 10^6 है, ये 5 है तो 6 कर दिया, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेन क्वेश्चन है, जिस पे अपन 10 क्वेश्चन कर चुके कम से कम। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 292 आ जाओ। अगला कहता है बामर की अंतिम लाइन और लाइमन की प्रथम लाइन का रेशियो बताओ। आ जाओ भैया बामर आ जा, बामर का मतलब क्या होता है, 2 पे आना पड़ेगा, ठीक है जी यार, N1 की वजह 2 है। बामर की अंतिम लाइन, तो बामर में कहां से कूदाओगे, इन्फिनिटी से, ठीक है। बामर श्रेणी की अंतिम लाइन और लाइमन की भी अंतिम लाइन, तो लाइमन यहां है, यहां भी कहां से लाओगे, अंतिम से लाओगे। इन दोनों की लेमडा का आपको रेशियो निकालना है, तो लो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, लेमडा बामर, ठीक है डियर, याद है ना, 1/λ/r n 1^-n, ये बहुत इजी है, n2 0 अनंत है, 0 जाएगा। ओके तो 1λ/r इक्वल टू r/4। ओके डियर, दूसरा लेमडा लाइमन की बात करें तो वैसा आएगा मेरा, r है ये, ठीक है, तो ये लेमडा b लेमडा r, तो दोस्तों इसका उत्तर या तो 1/4 है या 4/1 है, तो ऐसा एक ऑब्जेक्ट दे रखा अगले ने, सेकेंड आंसर। तो 292 का दोस्तों आंसर क्या हो गया हमारा, 2 नंबर। इसने तो अंतिम ली है ना, तो अंतिम में दिक्कत ही नहीं है, n2 अनंत करके 0 कर दिया, तो वो सिंपल रेशियो निकालना आपको। ओके थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 293, एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट। जब किसी एटम की बात करते हैं और किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर किसी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, तो उसकी दोस्तों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टोटल का रेशियो जो होता है वो होता है 1:-2:-1। भैया याद कर ले रहे, ये सेम रेशियो होता है सैटेलाइट के लिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एनी ऑर्बिटल में सर्कुलर पाथ होता है, ये चक्कर लगाता है, तो उसकी एनर्जी काइनेटिक रेशियो पोटेंशियल रेशियो टोटल 1:-2:-1। बस अब क्वेश्चन पे आ जाए, क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु की किसी बोर कक्षा में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज और कुल, गतिज और कुल कलर चेंज कर ले, ये ले गतिज और कुल 1:-1 भाई जी, जरूरत ही नहीं किसी पूछने की, आंसर क्या हो गया 293 का 3। ओके थैंक यू। हाँ डियर क्वेश्चन नंबर 294, ये देखते लगता डरावना सा, डरावना नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v = v0 i और v 0 से बड़ा है, इंटरेस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड e = e0 i, वही तेरे फिर आ गया, और e0 वो भी आपका ज्यादा है, t = 0। इफ लेमडा 0 इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t, किसी t टाइम के बाद इसकी लेमडा क्या होगी। ओके तो भाई ध्यान सुनना, अपन किस पे आ गए, पार्टिकल, फोटोन पे नहीं, पार्टिकल पे है, तो पार्टिकल की लेमडा का फॉर्मूला आपको अच्छी तरह पढ़ा चुका हूं मैं, लेमडा इक्वल टू h/p, और दोस्तों अब तक तुम अपने क्या पढ़ा रहा था, p√2me, नहीं मुझे वेलोसिटी चाहिए, ये मेरा क्या है mv, ये सिंपल कॉन्सेप्ट आएगा, लेमडा मेरा v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। ओके डियर तो मैं इसको मिटा दूं, तुम देख लिया यहां तक आ जा, तो दोस्तों मेरा लेमडा जो है वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप खुद देखो ध्यान से थोड़ा सा, अगला साफ कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी v = v0 i है, i तो x-axis पे, तो v0 है ना, अब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर गया। ओके डियर तो इंटर कर गया तो निश्चित बात है इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें फोर्स लगाएगा, क्या फोर्स लगाएगा भैया, वो फोर्स लगाएगा ई, इलेक्ट्रॉन है ना, फोर्स क्या लगाएगा ई, ये इसको क्या डेवलप करेगा, एक्सीलरेशन, कितना करेगा ma0। तो डियर इसका a0 क्या हो गया, इसका a0 है ee/m, तो t समय बाद वेलोसिटी क्या होगी, न्यूटन्स की इक्वेशन, हेलो v = u + at, तो v u, u तो क्या है v0 प्लस a क्या है ee/m / t, ये दोस्तों इसका v आ गया,
ठीक है, तो अब आप देखो लेमडा वन अपॉन लेमडा टू इक्वल टू वी टी अपॉन वी वन। वी टी मतलब बाद वाला, वी टी क्या होगा बाद वाला है ना, तो बाद वाला क्या है ये रहा वी नोट प्लस ई ई अपॉन ए मल्टीप्लाई टी, कोई दिक्कत नहीं है। और वी वन क्या है तेरा वी नोट, ओके ये तो बात हुई ना। अब तेरे को क्या चाहिए, तेरे को बाद वाला चाहिए, तेरे लेमडा टू चाहिए, तो लेमडा टू चाहिए, तो देख लेमडा टू चाहिए तो मैं इसका कलर चेंज कर लूं तेरे लिए, यहां पर ये लेमडा टू मुझे निकालना है तो उधर ले जा लेमडा टू को, तो ये तेरा वी नोट, ये तेरा क्या रहे वी नोट प्लस ई ई एम टी मल्टीप्लाई लेमडा, लेमडा नोट, क्योंकि पहले क्या दिया अगले ने, निश्चित रूप से इसने जो पहले की लेमडा आपको दी होगी उसको अपन लेमडा इरा लेमडा नोट, ये लेमडा नोट हो गया बस। अब आ जा क्वेश्चन में, अब ऐसे ऑब्जेक्ट में कहीं वी नोट नहीं है तो एक काम कर यहां से वी नोट कॉमन निकाल, तो वी नोट कॉमन आए तो वन माइनस ई ई एम वी नोट, भाई साहब तो तेरा ऊपर लेमडा नोट है ए, ये तेरा आंसर हो गया एल 294 का दोस्तों आंसर नंबर फोर्थ हो गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ओके थैंक यू दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 294 देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न क्या है सुनो, ये पहले पढ़ लो आप क्वेश्चन, पढ़ लिया अब मैं बोलता हूं। देखो ये कहता है कि कोई कण है वो वी नोट वेलोसिटी से, आई कैप का मतलब अक्ष अक्ष दिशा में गति कर रहा है, प्रश्न ये है कि कोई कण वी नोट प्रारंभिक वेग से अक्ष अक्ष दिशा में एम द्रव्यमान का कण है वो गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र कितना वहां पर ई नोट है, टी में प्रवेश करता है, तो वो कहता है प्रारंभ में इसकी लेमडा दोस्तों लेमडा नोट है, तो बताओ टी समय बाद इसकी लेमडा क्या हो जाएगी, ठीक है ओके खाली करो बोर्ड खाली करो। हम अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, अब तक जो मैं सोल्यूशन कर रहा था ना मैं वहां लिखा था पी इक्वल टू रूट टू एम ई, क्योंकि अब तक मुझे एनर्जी की बात कर रहा, अब मुझे वेलोसिटी की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं लेमडा, तो दोस्तों सीधा सीधा है लेमडा मेरा वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ओके लेमडा वी के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेमडा वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब देखो क्या है वी, तो पहले आपका अगला कहता लेमडा नोट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है वी नोट है, फर्स्ट केस में क्या है लेमडा क्या है लेमडा नोट, आप क्वेश्चन पढ़ लो चाहिए पहले क्या है लेमडा नोट है जिसका रिलेशन क्या है वी नोट, आप देख ले क्वेश्चन में आए, ये देखो क्वेश्चन में आए तो साफ है येरा येरा वी नोट, ओके डियर आगे चलो। अब आपने इसको चेंज कर दिया तो चेंज कर दिया तो आपको इसका दोस्तों v निकालना होगा, तो v इक्वल टू क्या होगा u प्लस at t समय बाद, a कहां से आया तो तू खुद कह रहा यार इलेक्ट्रिक फील्ड e नोट में मूव कर रहा पार्टिकल है, तो भाई तेरे सामने सामने f क्या होगा ee, वो क्या होता है ma एक्सीलरेशन, तो तेरे सामने ee नोट इक्वल टू क्या है ma, तो a क्या आ गया रे e नोट बाई m बस, तो तेरे सामने इसके बाद का वे क्या आ गया v u v u क्या है v नोट प्लस e e नोट अपॉन m, ध्यान दे क्लास v इक्वल टू और किससे मल्टीप्लाई कर दे t से मल्टीप्लाई कर दे, ये तेरा v आ गया किसका बाद वाला, तो दोस्तों तो लेमडा क्या हो जाएगा अपॉन v नोट प्लस e e नोट m मल्टीप्लाई t, सारी बात क्लियर कर रहा हूं मैं। अब तेरे पास इक्वेशन कलर चेंज कर ले, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू चाहिए क्या अपने को लेमडा, ओके डियर ले अपन यहां कर देते हैं आ जा भैया, तो तू ऐसा कर लेमडा नोट अपॉन लेमडा कर ले, तो लेमडा नोट क्या है वन अपॉन वी, ठीक अपन लेमडा चाहिए ना, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे ताकि बाद दिक्कत नहीं आए, अपन लेमडा अपॉन लेमडा नोट करेंगे, तो व्हाट इज लेमडा, लेमडा क्या है वी नोट प्लस ई E नोट टी एम अपॉन वन बाई वी नोट, तो ऊपर जाके वी नोट, तो लेमडा अपॉन लेमडा डैश ये वी नोट है, आंसर ऐसा नहीं है वी नोट बाहर निकाल लो, तो ये एक तरीका होता है E नोट टी एम वी नोट, ओके यहां वी नोट से ऊपर गुणा कर ले नीचे गुणा कर ले, ये ले भाई तो तेरा लेमडा का मान क्या आ गया लेमडा नोट वन प्लस ई E नोट अपॉन एम वी नोट टी, आंसर खोलना भैया ये देखो स्पष्ट रूप से रहा तेरा लेमडा नोट वन प्लस, अब इससे ज्यादा भाई क्या बता सकते हैं, ओके थैंक यू। हाँ डियर 295 फिर मेरा फंडा,
रेडियो एक्टिविटी में तो बड़े केवल फंडा काम लेते हैं भाई, गुणा भाग करते ही नहीं। दोस्तों साफ कहता है फॉर ए रेडियो एक्टिव मेटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट, द इनिशियल देर आर 600 नंबर ऑफ न्यूक्लियस। दोस्तों सीधी सी बात है 600 से 450 पे जाएगा। साफ कहता फॉर द डिस्टेंस ऑफ 450, 450 नाभिक विघटित हो जाए कितने बचेंगे, 150। ओके ओके, तो 600 से किस पे आएगा, 300 पे, 300 से किस पे आएगा, 150 पे, तो कितने टूट गए, 450। सीढ़ी कितने काम आई, 2, एक कितने की है, 10 मिनट की, 2 कितने की हो गई, 20 मिनट की। आंसर क्या हो गया, 4th, बड़ा सिंपल। फिर सुन ले, 600 में से 450 तोड़ने हैं, 600 से 150 पे आना है, तो 600 से कहां पे आएगा, 3, तरीका होता है, आधा होगा 150, 2 हाफ लाइफ काम आई, 1 हाफ लाइफ कितने मिनट की है, 10 मिनट की। आंसर क्या हो गया, 20 मिनट। थैंक यू। हाँ डियर, क्वेश्चन नंबर 296, ये वापस से आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। देखो डियर क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, इसका बताओ अर्थ क्या है। कोई एक मटेरियल है, उसकी थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नोट। वो कहता पहले उस पर मैं 2 न्यू नोट का फोटोन डालूं तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता उसकी स्पीड क्या है, V1। फिर मैं 5 वी नोट का डालूं तो उसकी स्पीड क्या है, V2। मुझे V1 V2 का रेशियो चाहिए। दोस्तों मेटेरियल वही है ना, तो आप जानते हो मेटेरियल जब वही होता है तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। बस फर्स्ट केस, फर्स्ट क्या है, H2 न्यू नोट, H न्यू नोट हाफ MV1 स्क्वायर। इसको सोल्ड कर दूं, ये 2 में से 1 गया तो क्या बचा, H न्यू नोट हाफ MV1 स्क्वायर। कलर चेंज कर ले तेरे लिए। दूसरे में क्या कर रहा है, 5 नोट कर दिया, तो मैं 5 लिख दूं तो कह दो, तो क्या बनेगा, 5H न्यू नोट इक्वल टू H न्यू नोट प्लस हाफ MV2 स्क्वायर। ये तेरा क्या बच गया, 4H न्यू नोट इक्वल टू हाफ MV2 स्क्वायर। बस भाई ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, थोड़ा सीधा कर तेरे लिए। दोस्तों मैं 1 में 2 से डिवाइड करूंगा, लो कलर चेंज कर दूं आपके लिए, H न्यू नोट अपॉन 4H न्यू नोट, ये कट जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, कैंसिल आउट, V1 बाई V2, 1:2, 1:2। दोस्तों आंसर क्या हो गया, 296 का स्पष्ट रूप से आंसर हो गया 4th। यहाँ एक लफड़ा है, यहाँ 1:2 भी है और 1:2 भी है, जानना चीज का गड़बड़ है इसमें, इस क्वेश्चन की भाषा बहुत काम की इसमें। आंसर हो गया आपका 4th। थैंक यू। हाँ दोस्तों क्वेश्चन 297, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है भाई, ये गलत आ गया, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम है। साफ कहता है कि रस्सी कब टूटेगी अधिकतम, भूल गए क्या। दोस्तों यहाँ तनाव मैक्सिमम होता है कितना, 6 mg, इसलिए हमेशा याद है ना, यहाँ 6 mg, 3 mg, 0, नीचे के पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होती है, तनाव जब अधिकतम होता है तो रस्सी टूटने की संभावना अधिकतम होती है, तो द्रव्यमान के निम्नतम बिंदु पे होगा। दोस्तों 297 का आंसर नंबर 1 हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन भूल से कंपोज हो गया, ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम है। ओके थैंक यू। देखो 2019 में कैसे कैसे गले गले क्वेश्चन आए। 298, अल्फा कण क्या है, अल्फा कण क्या है, अल्फा एक आयनाइज हीलियम आयन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बात खत्म, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, पब्लिक इसमें क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन भी जोड़ देती है। अरे भैया अल्फा पार्टिकल हीलियम नहीं पूछ रहा है, आयनाइज हीलियम पूछ रहा है, इसलिए धारणा ये बड़े बेवकूफ करके आए लो लास्ट के इसमें, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ओके थैंक यू। और मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन 299, जिसको अभी पढ़ा चुका हूं तेरे को मैं, तो क्या कहता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर। देखो दोस्तों मुझे इतना ही पता है, किसी भी जगह रेशियो चाहिए, तो ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है, ये टोटल है, ये रेशियो होता है जी। वो कहता टोटल -3.4 है, तो दोस्तों काइनेटिक तो इसको प्लस में कर दो, +3.4, और पोटेंशियल दोस्तों माइनस की माइनस रहेगी और डबल कर दो, तो स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है आंसर नंबर इसका 1 हो गया। ओके थैंक यू। ओके डियर नमस्कार। तो ये एक लेक्चर था मॉडर्न फिजिक्स का, और ये अपना आज 12वां लेक्चर है जो आप लोग देखा है। मैं फिर से कहता हूँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 8 पेपर हैं, 16 नीट 2 बार हुआ था, 8 पेपर में 360 क्वेश्चन टोटल आए। मैं आपको 299 तक की प्रॉब्लम करवा चुका हूँ, बीच में 12 गायब कर रखे हैं, मैंने भूल गया था वो बाद में कराऊंगा, सरफेस की और फ्लूड की, यानी 300 प्रॉब्लम राउंड फिगर में हमने आपको 12 लेक्चर में अपलोड कर दी हैं।
आप सीएलसी फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, फेसबुक छोड़ो, सीएलसी यूट्यूब, सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल पे जाएं, ये 12 के 12 वीडियो वहाँ पड़े दोस्तों, आप एक एक घंटे के लेक्चर हैं, करीब 2 या 3 दिन में यदि सारे क्वेश्चन आप इसको देख के निकाल लो तो जो 8 बार में आया है वही भाई 9वीं बार में आएगा, ठीक है डियर। अब हमारे पास लास्ट के क्वेश्चन बचे 61, एक तो बचा रे ऑप्टिक्स और एक बचा वे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर, 3 पॉइंट बचे जिन पे डिस्कस आपसे मैं अगले 3 लेक्चर्स में पूरा कर दूंगा। एक बात और करना चाहूँगा, ये वीडियो सॉल्यूशन जब स्टार्ट किया था तो कहीं बोलने में दिक्कत हुई थी, लिखने में दिक्कत हुई थी, तो ऐसे कुछ 7-8 क्वेश्चन हैं जिनका मेरे पास बच्चों सुझाव आया था कि बॉस बोल कुछ रहे हो, लिखा कुछ और है, तो नो डाउट वो आप जानते हो ये इस पैनल पे एक थोड़ा सा काम टेढ़ा रहता है, तो लास्ट लेक्चर में क्या करेंगे वो जो करेक्शन की संभावनाएं जा रही, जो शूटिंग में गलती हो गई थी उन सब का एक एरर के नाम पे बना के एक वीडियो पर आपको और अपलोड कर देंगे। अब आपको 4 वीडियो और देंगे हम, 3 तो एक देंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक देंगे आपको रे ऑप्टिक्स का, एक वे ऑप्टिक्स का और एक आपको एरर के नाम पे, 12 हो चुके, 16 वीडियो में आपके फिजिक्स के प्रीवियस पेपर कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और उसी के बाद दोस्तों केमिस्ट्री के स्टार्ट हो जाएंगे सॉल्यूशन। उसके बाद 2 चीज़ आपके पास रोज आएंगी, एक केमिस्ट्री के सॉल्यूशन और प्रीवियस पेपर, दूसरा मैं बार बार कह रहा हूँ फिजिक्स पंच के नाम पे दोस्तों हमारे यहाँ 25 टेस्ट हुए थे अगस्त सितंबर में, जिसमें 20 टेस्ट हैं मतलब माइनर की तरह और 5 हैं मेजर की तरह, फिर उन सब के स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। जब 20 टॉपिक बनाई फिजिक्स को, हर टॉपिक के 45 क्वेश्चन लिए, टोटल 60 क्वेश्चन थे वहाँ, 15 AR के थे बट AR एम्स खत्म हो गया तो AR हट गया, तो 45 क्वेश्चन वो डेली एक लेक्चर आपको दिया जाएगा। और सुन लो, ये पंच के नाम के पेपर clclive.in पे पड़े हैं दोस्तों, आपको क्वेश्चन वहाँ देखने में मिल जाएंगे, सॉल्यूशन में आपको हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसको आप ठीक सा कर लेते हो तो नीट 2020 को आप आराम से क्रैक कर सकते हो। ओके डियर, थैंक यू, जय सीएलसी।